सब्सक्राइब कीजिए डीटीएच टीवी गाइड को और इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और चैनल की हर लेटेस्ट अपडेट पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, डीटीएच टीवी गाइड के और एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, मुझसे मैसेज में कमेंट में ये पूछा जा रहा है कि बंगबंधु 1 सैटेलाइट का जो सिग्नल है वो MPG 2 सेटटॉप बॉक्स में आएगा कि नहीं, कैसे रिसीव करेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि MPG 2 सेटटॉप बॉक्स में आप बंगबंधु सैटेलाइट को कैसे रिसीव करेंगे, उसका सिग्नल जो है कैसे रिसीव करेंगे, उसका ट्रांसपोंडर कैसे डालेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम ऑटो स्कैन करेंगे, उसके बाद मैनुअल ट्यून करके भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखिए मेरा डिश एंटीना जो बंगबंधु 1 119 डिग्री ईस्ट पे सेट है, और ये डीडी फ्री डिश का एंटेना है, लाल रेड कलर का। और देखिए मैं अभी सेटटॉप बॉक्स के सामने हूँ। ये देखिए ये MPG सेटटॉप बॉक्स है, ये बिल्कुल नॉर्मल सेटटॉप बॉक्स है, MPG 2 जो 500 रुपये में ही आ जाता है, एकदम कॉमन सेटटॉप बॉक्स है जो हर किसी के घर में ये सेटटॉप बॉक्स मौजूद होता है। और देखिए मैं डीडी फ्री डिश को अभी चला रहा हूँ, ट्यून किया हुआ है मेरा डीडी फ्री डिश, और डीडी फ्री डिश चल रहा है। देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डीडी फ्री डिश का चैनल। तो और इस सेटटॉप बॉक्स के जो मेनू है वो मेनू देखकर ही आपको पता चलेगा कि ये एक नॉर्मल MPG 2 सेटटॉप बॉक्स है। और इस सेटटॉप बॉक्स में मैं बंगबंधु 1 का जो सिग्नल है वो लाने की कोशिश करता हूँ कि देखते हैं आता है कि नहीं। आप स्क्रीन पे फॉलो कीजिए, LMB फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम ही रहेगा, और स्कैन मोड को हम फ्री रख सकते हैं और ऑल भी कर सकते हैं। तो मैं अभी ऑल कर देता हूँ और 22K ऑफ रहेगा, और डिस्क्राइब स्विच मेरा लगा हुआ है। अगर आपके पास डिस्क्राइब स्विच नहीं है तो आपको इसका चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं LMB 2 कर देता हूँ क्योंकि मेरा LMB 2 पे डिस्क्वाई पोर्ट लगा हुआ है, क्योंकि मेरा डीडी फ्री डिश और बंगबंधु भी चलता है। तो देखिए मैं अभी स्कैन पे आया हूँ, और देखिए MPG 2 में स्कैन हो रहा है, और ये देखिए हॉरिजेंटल में 3 चैनल आया है, एक ट्रांसपोंडर हॉरिजेंटल में आ गया है, 11390 ये सिंबल रेट है और ट्रांसपोंडर। और देखिए और एक है वर्टिकल में आया है, यह भी 3 चैनल है, एक ही चैनल बार बार हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया था आपको, MPG 4 में दिखाया था। और ये जो स्कैन हो रहा है ये MPG 2 नॉर्मल सेटटॉप बॉक्स है। और देखिए स्कैन कंप्लीट हो गया है, मैं आपको अभी चैनल भी दिखा देता हूँ कि ये चैनल देखिए MPG 2 सेटटॉप बॉक्स में ये चैनल चल रहा है, यानी कि MPG 2 पे ये सिग्नल आ गया है। और देखिए BTB नेशनल जो है वो इनक्रिप्टेड दिखा रहा है, और 2 चैनल संसद बांग्लादेश और BTB वर्ल्ड ये आप देख सकते हैं MPG 2 में। तो MPG 2 में ये सिग्नल आ गया है, और हम अभी चलते हैं मैनुअल ट्यून पे। दोस्तों कभी कभी ऑटो ट्यून पे अगर सिग्नल ना आए तो मैनुअल ट्यून करके भी आप सिग्नल ला सकते हैं, या फिर अगर आप डिस्क को अलाइन कर रहे हैं तो आप मैनुअल ट्यून के ज़रिए फ्रीक्वेंसी को कैसे पुट करेंगे उसके बाद सिग्नल लाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सेटटॉप बॉक्स में चलते हैं, और देखिए मैं अभी चल रहा हूँ मेनू पे, और मेनू पे जाके हम चलेंगे प्रोग्राम सेटअप पे। सॉरी ये रेडियो चैनल आ गया है। देखिए मैं अभी मेनू पे जाके चलता हूँ प्रोग्राम सेटअप पे। देखिए प्रोग्राम सेटअप पे आएंगे, उसके बाद एड न्यू प्रोग्राम इसको हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है वो LMB फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को चेंज करना है। तो ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखिए ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी डालना है 3984, ये ट्रांसपोंडर 3984 ये ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी हम अभी डालेंगे 3984, देखिए 03984, और सिंबल रेट भी आप एक बार देख लीजिए 11390, ये 11390 सॉरी 30 नहीं 90 होगा, ये देखिए 90, और ये इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप दोनों ही रख सकते हैं, और 22K को ऑफ रखेंगे, और देखिए LMB 2 डिस्कॉइल स्विच जो है वो LMB 2 करते ही सिग्नल आ गया है। आप इसको पोलारिटी देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही आप रख सकते हैं, वर्टिकल में ज़्यादा सिग्नल है और हॉरिजॉन्टल में कम सिग्नल है, तो ये एक ही बात है क्योंकि दोनों में ही सेम चैनल अभी चल रहा है। तो मैं अभी इसको ट्यून करूँगा,
तो चलिए ट्यून करते हैं। देखिए ट्यून हो गया है और अभी मेरे पास चैनल जो है वो आ गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका चैनल का लिस्ट देख सकते हैं और इसका फ्रीक्वेंसी भी आप देख सकते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये था छोटा सा वीडियो, मैं आपको MPG 2 सेट बॉक्स में आपको ट्यून करके दिखाया। पहले ऑटो ट्यून किया और उसके बाद मैनुअल ट्यून किया। दोस्तों मैनुअल ट्यून तभी करेंगे जब आपका ऑटो ट्यून में चैनल ना आए या फिर आपका सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मैनुअल ट्यून के जरिए भी सिग्नल को ला सकते हैं और ट्यून भी कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।